नमस्कार। सुनने की कला सीखिए। अगर आपको कुछ सीखना है, आपको कुछ लर्न करना है ना इस दुनिया में या कहीं पे भी, तो आपको सुनना पड़ेगा। आप अच्छे वक्ता हो, आप अच्छा बोलते हो, तो आप कुछ नहीं सीख पाओगे। आप में अच्छी एबिलिटी है, आप अच्छा वक्ता हो, अच्छा बोलते हो, लेकिन अच्छा बोलने के लिए आपको सुनना पड़ेगा। जब तक आप सुनोगे नहीं तो सीखोगे कैसे? तो सुनने की भी कला होती है। और अगर आपने अच्छी तरह से कोई भी बात सुनी ना, तो आपके करियर के लिए और आपकी लाइफ के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट देके जाएगी। तो सुनने की भी कला होती है, और वो कला क्या है ये देखिए। सुनना है तो पूरा ध्यान से सुने। कोई भी बात सुन रहे हो तो सबसे पहले तो ध्यान रखना। आप कहीं पास दोस्तों के साथ में बैठे हो, कुछ भी बात हो रही है तो ध्यान से सुनना। ये नहीं कि आप इधर देख रहे हो, उधर देख रहे हो, नीचे देख रहे हो, मोबाइल में टाइम पास कर रहे हो, बात कहाँ जा रही है, कहाँ आ रही है, आपको कोई पता ही नहीं। तो आप कैसे सीखोगे? अगर कोई अच्छी बात बोल रहा है, कोई नॉलेजेबल बात बोल रहा है, तो आप कैसे सीखोगे? सबसे पहले तो अच्छी तरह से सुनिए कोई बोल रहा है। सेकंड, अनकहा भी सुने। आप कहोगे सर अनकहा, उसने कहा ही नहीं, सुने कैसे? ध्यान रखना, बहुत से लोग का चालाक होते हैं, कभी कभी बातों ही बातों में ऐसी बात कह जाते हैं जो आपके ऊपर पॉइंट मार दी जाती है। बहुत से लोग बातों ही बातों में चालाकी भरी बात करते हैं, आपको अपने जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं। बहुत से लोग बातों ही बातों में झूठ बोल जाते हैं। तो अनकही बातें ये होती है, इन अनकही बातों को आपको अर्थ समझना होगा कि यार सामने वाला व्यक्ति कुछ बोल रहा है तो किस वे में बोल रहा है। क्या वो अपमान को फंसाने के लिए बोल रहा है? क्या वो उसके स्वार्थ के लिए बोल रहा है? तो ये बात अगर आप पूरा ध्यान से सुनोगे ना, तो ये आप समझ पाओगे कि वो कहने का उसका मतलब क्या है, वो क्या कह रहा है। और ऐसे लोग चालाक लोग होते हैं, ऐसे घुमा फिरा के बात करते हैं, सामने वाले को समझ में आती नहीं पूरी तरह से, और वो हाँ में हाँ मिला देते हैं, और फिर अंत में उनको नुकसान देखना पड़ता है। इसलिए अपने दिल और दिमाग में ध्यान रखें कि अन कहाँ भी सुने, वो नहीं कह रहा है, चालाकी से कह रहा है, तो फिर उसकी बात का मतलब निकाले कि वो आखिर कहना क्या चाह रहा है। सुने और निकाल दे। सुनने की सबसे बड़ी कला में एक बात यह भी है, सुने और निकाल दे। आपने कोई बात सुनी है, सबसे पहले तो कोई इंपॉर्टेंट बात है तो उसको दिल और दिमाग में बैठा रहे, और आपको लगता है कि यार इट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर मी, देन यू कैन रिमूव। इस कान से सुनो, इस कान से निकाल दो। सुने और निकाले। हाँ, अच्छी बात है उसको पकड़ो, अपने दिल और दिमाग में बैठा लो। अच्छी बात नहीं है, इधर सुनो उधर निकाल दो। तो सुनो और निकाल दो, ये भी कला आपके अंदर होनी चाहिए, सुनने की कला। सुनते वक्त एक बात जरूर ध्यान रखना, अपना दिल और दिमाग दोनों खुले रखना। कभी कभी क्या होता है, आप सिर्फ दिमाग खुला रखते हो, दिमागी तौर पर बातें दिमाग को फिट करते हो, लेकिन दिल की नहीं सुनते हो। ध्यान रखना, कभी कभी आपका दिल भी आपका साथ देता है। इसलिए जब भी कोई बात बोल रहा है या आप कोई बैठे हो, तो अपने दिल और दिमाग दोनों सामने वाले की बातों पर ध्यान देना कि आखिर वो क्या कहना चाह रहा है, आखिर उस बात का क्या मतलब है, और आखिर वो बात मेरे लिए क्या बेनिफिट देके जाएगी, मेरे लिए, मेरे करियर में, मेरी लाइफ में वह बात कितना इंपॉर्टेंस रखेगी। तो अपने दिल और दिमाग दोनों खुला रखें जब आप किसी की बात सुन रहे हो। तो कड़वी बात भी सुनने की आदत डालें। ध्यान रखना, आप कहीं भी बैठे हो, कुछ लोग कड़वी बातें भी बोलेंगे आपको, कुछ लोग आपकी आलोचना करेंगे, कुछ लोग आपकी क्रिटिसिज्म करेंगे, कुछ लोग आपकी निंदा करेंगे। तो बड़ा दिल रखिए और उन आलोचना को सुनिए, उन निंदा को सुनिए। ये नहीं कि आपको कोई दो बात कह रहा और आप फिर वापस से चार बात कह रहे हो कि आ तूने मेरे को ऐसे कैसे कह दिया और ऐसे कैसे कह दिया, मेरे को ऐसे नहीं कहना चाहिए। नहीं, कड़वी घूंट पीना सीखिए, कड़वी बात सुनना सीखिए। यह आपके लाइफ के लिए, आपके करियर के लिए बेनिफिट देके जाएगी। ये भी एक सुनने की कला में आती है कि कड़वी बातों को दिल में उतारना सीखिए, उन कड़वी बातों में देखिए, उन निंदा में देखिए कि क्या आपकी कोई एडवाइस तो नहीं छुपी है, क्या कोई आपकी आलोचना कर रहा है तो आपकी कोई कमी तो नहीं है।
उस कमी को दूर करिए। आपको लगता है कि नहीं यार वो कह रहा है सही है, वाकई में वो गंदी आदत है मेरे में, तो उस गंदी आदत को दूर करिए, ये तो और उल्टा आपके लिए बेनिफिट होगा। तो कड़वी बातों को सुनने की कोशिश करना, कड़वी बातों को अपने दिमाग में बैठाना कि क्या कौन सी बात मेरे लिए सही है और कौन सी बात मेरे लिए गलत है। कुछ बातों को भूलने की आदत रखें। आप कहीं सेमिनार में बैठे हो, आप कहीं दोस्तों के साथ बैठे हो, या आप कहीं बिजनेस क्लास में बैठे हो, या आप समाज में बैठे हो, वहां पर तरह तरह की बातें होती है, वहां पर तरह तरह की बातें होती, अच्छी भी बातें होती है, बुरी भी बातें होती है। तो ध्यान रखना कुछ बातें ऐसी होती जो आपको भूलनी चाहिए। किसी ने कहीं बैठे हुए किसी ने कोई बात कही ना, आपने अपने दिल पे ले लिया और ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा क्यों कहा, इतना लोड अपने दिल और दिमाग में मत ले। सुनने की कला यह कहती है कि कुछ बातें हैं जो भूलने से आपके लाइफ के लिए, आपके करियर के लिए बेटर रहती हैं। आप कहीं बिजनेस मीटिंग बैठे हो, कुछ बातें ऐसी होगी जो आपको भूलना होगा। समाज में बैठे हो तो कुछ बातें ऐसी भी आएगी जो वल्गर होगी, आपके काम की नहीं होगी, लेकिन आपको भूलना होगा। आपके दिल दिमाग में वो कचरा नहीं रखना। अच्छी बातें, अच्छी नॉलेज वाली बातें अपने दिल दिमाग में बैठाइए, बाकी फालतू का कचरा अपने दिमाग में क्यों बैठाना, क्यों अपने दिमाग को एंगेज करना है फालतू बातों में। तो कुछ बातों को भूलने की कला सीखिए।